आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? हम अभी लाइव हो चुके हैं। संजय, दीपक, राहुल, हाय, सभी को लाइव में मेरी आवाज़ आ रही है? रुचि, जैद, मंसूरी, ध्वनि, गीता, एचएल, हेलो सर, लक्षिता मकवाना, दीपक जाधव, संयम त्रिवेदी, स्वयं त्रिवेदी, चलिए कल का लेक्चर जहाँ से छोड़ा था ना वहीं से आज स्टार्ट करेंगे। हाँ, धवल परीख, दीपक गेमिंग, राहुल मकवाना, हेलो एवरीबॉडी। यस, सभी रेगुलर स्टूडेंट है यहाँ जो अभी दिख रहे हैं मुझे। कशिश गांधी, हेलो। कनू सर, कॉलेज नहीं, एग्जाम क्या रहे हुए? कॉलेज की इंटरनल एग्जाम नेक्स्ट मंथ और एक्सटर्नल एग्जाम दिसंबर। करणराज चौधरी, संजय साधु, कार्टून वर्ल्ड, 33.33% वाला भी एक सवाल करवाऊंगा, ठीक है? रवि पटेल, राजेश पंचाल, हाय, हेलो एवरीबॉडी, रुचि, ओके। चलिए बेटा लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं, बाकी बच्चे जो ज्वाइन हो जाएंगे अभी जल्दी से फटाफट। आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, हाँ, लाइव क्लास हमारा चलता है 9:30 को। जोया, पर सर कॉलेज तो स्टार्ट नहीं हुई है तो एग्ज़ाम कैसे? कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी, उसके 1 महीने बाद एग्ज़ाम आ जाएगी आपकी नवंबर में, और दिसंबर में भी आप समझ के चलो कि आपकी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम भी होगी, है ना? ये सब याद रखना, यूनिवर्सिटी की भी एग्ज़ाम दिसंबर में पॉसिबल है। एग्ज़ाम के बारे में क्लियर है सबको? इंटरनल एग्ज़ाम कॉलेज की आफ्टर 1 मंथ एंड एक्सटर्नल एग्ज़ाम मे बी पॉसिबल है दिसंबर, अगर थोड़ा डिले होता है तो 15-20 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। स्नेहल पीपलिया, हाय, चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है सबके लिए। ये सभी बच्चे शायद मेरे अभी क्लासरूम में ज्वाइन हो चुके हैं, सभी ने अपना ईमेल आईडी मुझे भेज दिया था। फिर भी अगर कोई नया बच्चा ज्वाइन हुआ है तो याद रखे, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है हमारा। कई बच्चों ने सवाल पूछा कि सर व्हाट्सएप ग्रुप, तो व्हाट्सएप ग्रुप है वो मेरी तरफ से ग्रुप है, मैं मैसेज डालूंगा सभी को मिलेगा, ठीक है ना? वो ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, याद रखिएगा बात। और वेदांत डिजिटल क्लासरूम जो मैंने बनाया है उसके अंदर ज्वाइन होने के लिए फुल नेम आपका लिख के भेजना है, ईमेल आईडी और आईडी प्रूफ जो एज अ फोटो आपको भेजना है, ये वाला मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप भेज दीजिए। कोई बच्चा रह गया है तो आज कर दीजिएगा, कल कर दीजिएगा, मैं दोपहर को उसको क्लासरूम में ज्वाइन ज़रूर कर दूंगा, ठीक है? क्लासरूम में नोट्स आपको मिलती रहेगी। चलिए, तो हमारा जो लेक्चर कल एंड हुआ था वहाँ से स्टार्ट करवाता हूँ, पर उससे पहले क्या क्या हमने कवर कर लिया था वो एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है ना? क्या कवर किया था फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमने क्वेश्चन पढ़ा था, विराट एंड अनुष्का वाला क्वेश्चन था। विराट ने 20 कंप्यूटर्स भेजे हैं अनुष्का को एट एन इनवॉइस प्राइस 50,000। इनवॉइस प्राइस का मतलब गुजराती में थसे भरत्या कीमत, जेनी अंदर नफो एड करीन मोकलो छे। याद रखना ये बात कि इसमें प्रॉफिट आ गया, 50,000 में प्रॉफिट ऑलरेडी है। 1/4/2015 को भेजा है, इनवॉइस प्राइस आई है आफ्टर एडिंग 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अब मैंने कल ये पॉइंट क्लियर करवाया था, एक वर्किंग नोट करवाई थी मैंने,
ये वाली वर्किंग नोट थी कि सम में आपको बोला है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, पड़तर ऊपर नफो, कितना परसेंटेज बोला है 25%। अब प्रॉब्लम क्या था कल कि हमारे पास आईपी प्राइस पड़ी थी 50,000, क्वेश्चन में जो आपको प्राइस दे रखी है वो प्राइस है आपकी आईपी 50,000, जो बताया है इनवॉइस प्राइस है, और प्रॉफिट किस पे का है, प्रॉफिट का है कॉस्ट पे, ठीक है ना, प्रॉफिट का है कॉस्ट पे 25%। अब कॉस्ट हमारे पास नहीं थी तो कॉस्ट हमने 40,000 कैसे फाइंड करी, तो हमने 25% को कन्वर्ट कर दिया, 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है उसको कन्वर्ट करके सेलिंग प्राइस या आईपी प्राइस पे कितना परसेंटेज होता है, तो 25% इज इक्विवेलेंट टू 20% ऑन इनवॉइस प्राइस, यानी भरत या कीमत ऊपर 20% और कॉस्ट पे 25%। तो वो कैसे किया था वो भी एक्सप्लेन किया था, मिस कर चुके हैं कोई बच्चे तो ये वाला वीडियो लास्ट लेक्चर नंबर 3 आप पूरा देख लीजिएगा, ये सारी बातें मैंने एक्सप्लेन करी है उसके अंदर। अब 20% हमने इनवॉइस प्राइस का किया, तो 50,000 का 20% करने से हमें 10,000 प्रॉफिट मिल गया, और वो 10,000 का जो प्रॉफिट है हमने इनवॉइस प्राइस में से माइनस कर दिया, बिकॉज इनवॉइस प्राइस यानी सेलिंग प्राइस बेचाण कीमत जेनी अंदर प्रॉफिट हसे ज, तो 50,000 में से हमने प्रॉफिट माइनस कर दिया तो हमें कॉस्ट मिल गई 40,000। मैंने कल एक बात क्लियर रखी थी कि इनवॉइस प्राइस क्या होती है और सेलिंग प्राइस क्या होती है। इनवॉइस यानी हमने इतनी अमाउंट का बिल बनाकर उसको भेजा प्रॉफिट ऐड करके, अब वो क्या करेगा उससे ऊपर की प्राइस में बेचेगा, कंसाइनी जो एजेंट है आड़तियो के भाई गुजराती माँ, वो क्या करेगा ये 50,000 से ऊपर बेचेगा, जो अनुष्का की बात हो रही है अनुष्का एजेंट है तो वो क्या करेगी 50,000 या 50,000 से ऊपर बेचेगी, नीचे नहीं बेचेगी, ठीक है ना। तो वो क्या हुआ कि इनवॉइस प्राइस सेलिंग प्राइस बन सकती है अगर सेम प्राइस पे बेचे तो, उससे ऊपर बेचे तो सेलिंग प्राइस थोड़ी और ऊपर होगी तो प्रॉफिट उसमें और ज्वाइन हो जाएगा। तो याद रखें 50,000 में ऑलरेडी प्रॉफिट हमने ऐड कर लिया है, तो वो 50,000 जो कंप्यूटर की इनवॉइस प्राइस थी उसका कॉस्ट कितना, मतलब हमें पता है वो कंप्यूटर कितने का है हमारा 40,000 का, क्लियर। ये वर्किंग नोट करने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं, मैंने इतना कल रिपीट कर कल करवाया था आज रिपीट करवा दिया। बोलो यहाँ तक सभी का क्लियर है, यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है सभी को, राहुल मकवाना अहमदाबाद, यस सभी का यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है, यस ओके यस सर क्लियर संजय, ठीक है चलो सभी को यहाँ तक क्लियर है। अब हम कल बात कर रहे थे कि आपको कौन कौन से अकाउंट ड्रॉ करने हैं। देखो सबसे पहला अकाउंट आपने बनाया कंसाइनमेंट, यहाँ लिखा था इन द बुक्स ऑफ विराट, विराट कौन है कंसाइनर, मालिक मालधनी गुजराती माँ, जो मालिक है विराट उसकी बुक में आप अकाउंट्स बना रहे हो, और कौन कौन से अकाउंट, तो यहाँ मेंशन किया है दो अकाउंट बनाने, कौन से दो, एक कंसाइनमेंट अकाउंट गुजराती माँ क्या है आड़त माल खातू, और दूसरा बनाना है आपको अनुष्का का अकाउंट, किसका अकाउंट बनाना है अनुष्का, अनुष्का यानी कंसाइनी। तो सबसे पहले हम बुक किसकी प्रिपेयर कर रहे हैं, किसकी बुक में अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, या मेंशन करेंगे इन द बुक्स ऑफ विराट, इन द बुक्स ऑफ विराट, विराट ना चौपड़े, नंबर एक कंसाइनमेंट अकाउंट आड़त माल खातू। मैंने कल ये भी समझाया था कि पूरा एक पेज आप यूज करोगे, पूरा एक पेज आपका जो नोटबुक है उसका पूरा एक पेज कंसाइनमेंट अकाउंट के लिए होगा। सेकेंड पेज जो आप सेकेंड पेज बना रहे हो, सेकेंड पेज में अकाउंट बना रहे हो, आधा ही यूज करना आधा पेज, और इस अकाउंट का नाम क्या होगा कंसाइनी अकाउंट, यहां से हमारा बाकी था कल कंसाइनीज अकाउंट, वो इस कंसाइनी अनुष्का, अनुष्काज अकाउंट हम बोल सकते हैं, और अनुष्का कंसाइनी है गुजराती माँ कहवा आड़त्यो, आड़त्यानु खातू, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट, पर्टिकुलर गुजराती माँ विगत, एंड यहां पर रुपीस, सेम डेबिट साइड पे पर्टिकुलर एंड रुपीस। चलिए दो अकाउंट हमने ड्रॉ कर लिए, सभी बच्चे जो मेरे साथ साथ सम सॉल्व कर रहे हैं वो मेरे साथ अभी लाइव लेक्चर में अपनी नोटबुक में लिखते जाइएगा। बोलो कौन कौन मेरे साथ साथ एंट्री कर रहा है, मेरे साथ साथ कौन कौन एंट्री कर रहा है लाइव सम, कौन सॉल्व कर रहा है मेरे साथ साथ, एट स्टैंडर्ड से कोई बच्चा हमारे साथ पढ़ने आया, वेरी गुड बेटा, चलिए बताइए जल्दी, तीन चार बच्चे तो है ही जो साथ में कर रहे हैं, रवि पटेल, रुचि, संजय, धवल, दीपक,
कनू, जयदीप जाला। चलो बहुत बढ़िया। तो मैं थोड़ी स्पीड कम रखूंगा जिससे आप मेरे साथ साथ लिख पाओ, ठीक है। अब दो अकाउंट आपने प्रिपेयर कर दिए हैं। सबसे पहला पैराग्राफ कि हमने 20 कंप्यूटर्स भेजे हैं 50,000 की प्राइस पे, तो मेरी फर्स्ट एंट्री होती है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड लिखेंगे टू गुड सेंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुजराती माल लक्षो आड़त पर मोकलेल माल खाते, ठीक है। मैं बोल दूंगा, गुजराती वाले मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा जो मैं बोलूँ इस हिसाब से। टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट आड़त पर मोकलेल माल खाते। यहाँ पर मेंशन करो 20 लैपटॉप और क्या प्राइस पे भेजे आपने, 50,000 लैपटॉप या कंप्यूटर, पर ये कौन सी प्राइस है, आईपी प्राइस है। चलिए 20 को 50,000 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, 20 इंटू 50,000 बिकम 10 लाख, 10 लाख रुपीज हम आउटर साइड लिख देंगे गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब इसकी सेकेंड इफेक्ट होगी गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट की क्रेडिट साइड, बट वो अकाउंट हमने नहीं बनाया क्योंकि सम में ये अकाउंट बनाने को नहीं कहा है। सिर्फ दो अकाउंट बोले थे, कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट, ज़्यादातर दो ही अकाउंट बोलेंगे। तो ये वाली एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइन गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगी अगर अकाउंट बनाने को कहते हैं तो। चलिए ये फर्स्ट लाइन जो हमने रीड करी वहां से ये एंट्री करी। फर्स्ट लाइन क्या थी, 20 कंप्यूटर्स अनुष्का को भेजे, विराट ने भेजे, 50,000 उसकी प्राइस है, तो 20 इंटू 50,000 10 लाख रुपीज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुआ। आड़त माल खातू उधार करियो 10 लाख थी। अब एक पॉइंट याद रखना, जब आप इनवॉइस प्राइस का सम सॉल्व कर रहे हो, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है समझना, जब आप इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप यहां पर विथ प्रॉफिट भेज रहे हो गुड्स, पर एक्चुअली आपको पता है कि ये गुड्स अभी बेचे नहीं हैं, सिर्फ आप भेज रहे हो ताकि वो इस प्राइस से ऊपर बेचे। क्या आपको प्रॉफिट जनरेट हो गया है राइट नाउ, तो आंसर है नहीं, प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ है। तो इस अमाउंट में 50,000 में तो आपका प्रॉफिट ऑलरेडी था, तो आपको 50,000 के अंदर कितना प्रॉफिट था, तो आंसर है 10,000। 50,000 में से मेरा प्रॉफिट है 10,000 जो कि अभी मुझे प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ है। इट्स नॉट एक्चुअल सेल, कंसाइनी को जो हमने गुड्स भेजे हैं वो सेल नहीं है, हमने पहले लेक्चर में समझा था ये सब। आप उसको बार बार रिपीट करिएगा फर्स्ट लेक्चर को, ठीक है। सभी बच्चों को मैं अपनी एक एडवाइस देता हूँ कि फर्स्ट लेक्चर जो मैंने लिया था वो बार बार रिपीट करिए, चैप्टर बहुत सही से आपको समझ आएगा। तो 10,000 का जो प्रॉफिट है वो एक्चुअली अभी तक जनरेट नहीं हुआ है, सिर्फ हमने एक इनवॉइस बनाकर भेजा है कि ये अमाउंट का आपको गुड्स भेजा है, ठीक है, अनुष्का को। अब वो प्रॉफिट की हमें यहाँ से ऑपोजिट साइड एंट्री करनी होगी ताकि हमारा जो गुड्स है एक्चुअल कितनी अमाउंट का भेजा है उतनी ही वैल्यू का रिकॉर्ड हो पाए। तो यहाँ 10,000 का प्रॉफिट इसके अंदर है, तो मैं ऑपोजिट साइड वही 10,000 का प्रॉफिट लिखूंगा, सेम अकाउंट, तो यहाँ क्या नाम होगा, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, आड़त पर मोकलेल माल खाते। वंस अगेन 20 लैपटॉप, 20 कंप्यूटर, 10,000 प्रॉफिट। अब 10,000 का प्रॉफिट इस्तेमाल करेंगे कि प्रॉफिट यहां पर एंटर करेंगे, कितना प्रॉफिट हमने ये अमाउंट में इंक्लूड कर दिया था। तो 10,000 का जो प्रॉफिट है 20 इंटू 10,000 हो जाएगा 2 लाख। तो ये जो फर्स्ट लाइन अभी तक हमने रीड करी है वहां से ये एंट्री निकल कर आई, 10 लाख रुपीज हमें डेबिट करना है और उसका जो प्रॉफिट है वो क्रेडिट करना है, ठीक है। चलिए अब आगे रीड करते हैं। देखो मैं जब पढ़ा रहा हूं तो बेटा कोई कमेंट नहीं करिएगा, चैट और कमेंट मत करना, अंदर अंदर आपको बातें करनी है तो कर सकते हो, क्लासरूम में बातें करना ऐसे तो अलाउड नहीं होता है ऑफलाइन क्लास में, बट यहाँ ऑनलाइन में आपको अंदर अंदर बातें करनी है तो कर सकते हो, बट आपका ध्यान अगर सब में रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। और जब मैं कोई सवाल पूछूं तभी आप चैट करिएगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक की लाइन हमने कर ली है, द इनवॉइस प्राइस अराइव्ड वो वाला पॉइंट हमारा कवर हो चुका है, यहाँ से रीड करेंगे। विराट पेड, विराट यानी कंसाइनी पेड कर रहा है, कितना, 10,000 वाइल सेंडिंग द गुड्स। अब विराट ने जो खर्चा किया वो उसी की पॉकेट से गया है, जो एक्सपेंस कर रहे हैं वो हम कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे टू कैश बैंक अकाउंट। आप कैश अकाउंट बैंक अकाउंट दोनों कंबाइंड वर्ड यूज कर सकते हो, कैश अकाउंट एक्सपेंसिस बाय कंसाइनर, एक्सपेंसिस बाय कंसाइनर मतलब क्या हुआ, मालिक के जो खर्चा पे करे यानी बात चाले, तो एक्सपेंसिस बाय कंसाइनर। चलो
कैश अकाउंट करके एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर कितना एक्सपेंस किया विराट ने 10,000। अब हमने जो खर्चा करा है उसकी सिंगल एंट्री होगी, सेकंड इफेक्ट करनी हो तो कैश अकाउंट मेरे पास होना चाहिए, मैंने नहीं बनाया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ पूरा कंप्लीट, देखो फर्स्ट पैराग्राफ में से हमने क्या क्या एंट्री करी रिवाइज कर लो। फर्स्ट पैराग्राफ में से हमने कंसाइनमेंट डेबिट किया विथ आईपी प्राइस और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट किया जितना प्रॉफिट है वो, और जो एक्सपेंसेस विराट ने करे उसकी एक इफेक्ट कर दी। अब बात करते हैं 1/4/2015 सेम डे, जिस दिन गुड्स भेजे उसी दिन विराट ड्रू अ बिल, विराट ने एक बिल लिखा कितनी अमाउंट का 5 लाख का। मैंने आपको अकाउंट सेल्स में ये बात बताई थी कि अकाउंट सेल्स में क्या क्या होता है और कंसाइनी अकाउंट क्यों बनाया जाता है, कि कंसाइनी से हमें कितना एडवांस मिल चुका है, कितना उसने एक्सपेंस किया है, कितना उसका कमीशन बनता है, कितना उसने सेल किया है और लास्ट में हमें उससे कितने पैसे लेने हैं, इस वजह से हम कंसाइनी अकाउंट बनाते हैं। अब ध्यान रखिएगा 5 लाख का हमने बिल लिखा है, लिखने वाला बंदा कौन है, विराट। विराट इज अ ड्रॉवर ऑफ द बिल, लखनार ड्रॉवर है, उसने बिल लिखा 4 महीने का, 4 महीने बाद वो अनुष्का उसको पैसे एक्सेप्ट कर रही है और वो देगी पैसे, ऐसी बात है, विच लेटर ड्यूली एक्सेप्टेड, उसने एक्सेप्ट कर लिया, 4/5 की बात है। अब देखो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/4 को बिल लिखा और यहां कहा है 4/5/2015, यानी आफ्टर 1 मंथ हुआ कि नहीं, 1 महीने बाद, 1 महीने बाद विराट वो बिल को डिस्काउंट करवाया बैंक में 12% के रेट के साथ। मतलब क्या है यहां पर, 12वीं में सिखाया जाता है बिल्स रिसेबल और बिल्स पेबल चैप्टर, पार्ट 2 में आता है गुजरात बोर्ड में। या 5 लाख का जो बिल है वो एक्सेप्ट अनुष्का ने किया, तो सबसे पहले अनुष्का ने एडवांस में पैसे एक्सेप्ट कर लिए, उसकी एंट्री करेंगे कंसाइनी अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और इसको हम एडवांस कहेंगे गुजराती मत हसे बेटा, लेनी हुंडी खाते, कितनी अमाउंट 5 लाख। अब वो 5 लाख का बिल किसके पास आ गया है, विराट के पास। विराट क्या कर रहा है, 4/5 में, मई महीने में जा रहा है, अप्रैल में बिल लिखा और मई में जा रहा है, 1 महीने बाद, और 3 दिन तो ग्रेस के मिलते हैं इसलिए 4 तारीख है। अब क्या हुआ, 1 महीने बाद विराट जाता है बैंक में और उसको थोड़े पैसे चाहिए, तो बैंक वाले उसमें से 12% काट के उसको पैसे दे देते हैं। अब देखो यहाँ पर कंसेप्ट क्या है कि भाई 12% का जो डिस्काउंट हुआ ना वो विराट के लिए लॉस है, क्योंकि विराट को उतना पैसा बैंक कम देने वाली है, तो वो एक्सपेंसेस कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट किए जा भी सकते और नहीं भी कर सकते। नहीं करेंगे तो पीएनएल अकाउंट, जो नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, नफा नुकसान खातू, वहां पर डेबिट होगा, पर ये बुक में यहां पर डेबिट किया है कंसाइनमेंट अकाउंट में, तो वो चीज याद रखिएगा। एज पर दिस बुक हम क्या कर रहे हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट करेंगे ये वाला जो 12% का खर्चा हुआ, कि आपको 5 लाख पूरे नहीं मिलेंगे। विराट बैंक में चला गया, 5 लाख का बिल दे रहा है कि मुझे फ्यूचर में 4 महीने बाद बिल का पैसा आने वाला है, 3 महीने अभी बाकी है, क्योंकि देखो मैं 3 महीने अभी बाकी क्यों बोल रहा हूँ, 4 महीने का बिल है, 1 महीना तो चला गया है, विराट के पास ही पड़ा है वो 1 महीने से बिल, 1 महीने बाद विराट जा रहा है, तो 3 महीने बैंक उसको एडवांस में पैसा दे रही है, एडवांस में याद रखिएगा बैंक कितने महीने एडवांस में पैसा देती है, 3 मंथ्स। तो अब क्या होगा, 3 मंथ्स का एडवांस पैसा दे रही है तो 12% डिस्काउंट भी चार्ज करेगी। चलो वर्किंग नोट करते हैं, हम वर्किंग करेंगे यहां पर बिल डिस्काउंट लेनी हुंडी पर वटाओ, 5 लाख का बिल 12% कितने मंथ्स एडवांस में बैंक पैसा दे रही है, 3 मंथ्स, तो 5 लाख का 12% करिए (3)/12, 15,000 का डिस्काउंट, इतना पैसा विराट को कम मिला होगा। ठीक है, तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, और 3 मंथ्स क्यों आया, तो 4 मंथ्स का बिल था, 1 महीने बाद वो गया, यानी 3 महीने अब बाकी रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये 4 मंथ्स का बिल था, 1 महीने बाद वो जा रहा है, बैंक उसको 3 महीने का एडवांस पैसा दे रही है। चलो ये बिल डिस्काउंट वाली बात क्लियर है सभी को। अब 15,000 का जो डिस्काउंट है वो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट, या डिस्काउंट ऑन बिल्स रिसीवेबल, लेनी हुंडी वटाव खाते, अमाउंट कितनी निकाली हमने 15,000।
तो एक बात याद रखिएगा, जब सामने वाला बंदा बिल एक्सेप्ट करता है यानी अनुष्का कंसाइनी एजेंट, तो एक एंट्री करो कंसाइनी अकाउंट की क्रेडिट साइड जो कि मैंने कर ली, और वो बिल अगर हम बैंक में ले जाते हैं और बैंक वाला हमें पैसा देता है पर डिस्काउंट काट के, तो वो डिस्काउंट का खर्चा कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट किया। और कई बुक्स में जैसे ये गुजरात यूनिवर्सिटी की जो ये बुक है सुधीर प्रकाशन, उसके जो आंसर है वो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 15,000 करेंगे, तो कोई और बुक आप लेते हो तो उसमें ये 15,000 की एंट्री पीएनएल अकाउंट में भी हो सकती है। समझ आया? तो ये चैप्टर को समझना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक हमने रीड कर लिया, इतना कंप्लीट हो गया है। ऑन 31/3/2016 बात हो रही थी, 1/4/2015 उसके बाद 31/3/2016 यानी बहुत टाइम के बाद अनुष्का ने अकाउंट सेल्स भेजा। सभी को पता है ना अकाउंट सेल्स, मेरे पहले लेक्चर में बहुत एक्सप्लेन किया इस टॉपिक को, अकाउंट सेल्स। अकाउंट सेल्स भेजता है कौन? कंसाइनी, जिसमें क्या क्या डिटेल होती है। तो नंबर वन कि उसने कितना सेल किया, उसने कितना एक्सपेंसेस किया, ठीक है ना, ये दो बातें तो होनी ही चाहिए। उसका कितना कमीशन है वो हम निकालेंगे, पर उसको भी पता है कि उसका कमीशन कितना बनता है, ठीक है, और वो कितना पैसा एडवांस में दे चुका है और लास्ट में अब कितना पैसा वो दे रहा है। तो अकाउंट सेल्स भेजा अनुष्का ने और उसमें क्या लिख कर दिया, नंबर वन शी पेड 4,000 फॉर अनलोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग सामान उतारने का खर्चा, फिर 6,000 उसने कैरेज कहीं सामान ले जाने का खर्चा, और 15,000 एडवर्टीजमेंट के लिए पे किए। देखो कंसाइनी कितना खर्चा कर रहा है, तो तीन तरह के खर्चे कर रहा है अनुष्का, अनलोडिंग चार्जेस, कैरेज और एडवर्टीजमेंट। अब एक बात याद रखिएगा, जब आप क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करो ना, तो ये एडवर्टीजमेंट वाला खर्चा बार बार होता है, याद रखिएगा, क्योंकि आपको जितनी बार सेल करना है एडवर्टीजमेंट करोगे, पर अनलोडिंग चार्ज कहीं से सामान उतारना है तो वो जब सामान पहुंचा है तभी उतारना होगा। मान लो कि कहीं ट्रेन में वगैरह सामान आए तो वहां से अनलोड करने का खर्चा हो गया, कैरेज तो वहां से अपने गोडाउन तक ले जाने का खर्चा, क्या ये बार बार होने वाला है? नहीं। तो इसको बोला जाता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो हम जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस 4,000 और 6,000 ही लेंगे। एडवर्टीजमेंट तो बार बार करना पड़ता है, जिसको कहते हैं रिकरिंग एक्सपेंस, बार बार करने वाला खर्चा, उसको लिया जाएगा नहीं। अभी उसने तीन खर्चे पे किए हैं तो हमें उसको एक्सपेंस मानकर, देखो उसने खर्चा पे किया मतलब उसका खर्चा नहीं है, वो खर्चा कर रही है हमारे लिए ही कर रही है, तो हम विराट कंसाइनमेंट अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये खर्चा क्या मेरी पॉकेट से गया है पैसा? नहीं। तो कैश अकाउंट मत लिखना, अगर मैंने पे किया है तो कैश अकाउंट, सामने वाला पे कर रहा है तो उसका नाम लिखूंगा। तो मैं यहां क्या लिखने वाला हूं, टू कंसाइनीज अकाउंट, कंसाइनीज अकाउंट, और क्या है एक्सपेंसिस। अब यहां तीन एक्सपेंसिस है तो मैं तीनों को यहां अंदर लिखता हूं। सबसे पहला अनलोडिंग, अनलोडिंग एक्सपेंस, फिर दूसरा था कैरेज का, कैरेज एक्सपेंस, एंड लास्ट है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। गुजराती में जोई लेसो, अनलोडिंग एक्सपेंस पछी गाड़ा भाड़ू हसे अने छेले जाहिरात खर्च हसे, अने अहींया लखवानुं छे आड़तिया खाते खर्चा। चलिए अमाउंट क्या है देख लेते हैं। अमाउंट थी पहली उसने पे करी है 4,000 अनलोडिंग के, 6,000 कैरेज के, 4,000, 6,000 एंड उसने एडवर्टीजमेंट के लिए कितना पे किया है, 15,000 फॉर एडवर्टीजमेंट। तो 15,000 एडवर्टीजमेंट का पे किया है। अब इन तीनों का टोटल करके बाहर लेते हैं, 6, 4, 10 और 15, 25,000। अब 25,000 का खर्चा कंसाइनी ने पे किया है तो कंसाइनमेंट अकाउंट तो डेबिट हुआ क्योंकि एक्सपेंस तो हमारा ही है, पर इतना पैसा हमें कंसाइनी को वहां से जो वो पैसा कलेक्ट करेगी सेल्स करके या डेटर से कलेक्ट करके, उसमें से ये खर्चा काटने के बाद मुझे पैसा लौटाएगी अनुष्का। तो यहां अनुष्का कितना लौटाएगी वो मुझे भी तो जानना है ना, तो मैं उसका अकाउंट बना के चेक कर रहा हूं कि अनुष्का मुझे इतने पैसे कम देने वाली है, तो मैं उसकी एंट्री यहां कर लेता हूं बाय, यहां कौन से अकाउंट का नाम लिखेंगे, गुजराती में खतौनी चैप्टर सीखा था इंग्लिश में लेजर पोस्टिंग, तो यहां उस पहले वाले अकाउंट का नाम लिखेंगे। क्या था पहले वाले अकाउंट का नाम? कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। और क्या है? एक्सपेंस है ये। किसने करा ये एक्सपेंस? कंसाइनी ने करा। कितना एक्सपेंस था? 25,000 टोटल। यहां फिर अलग अलग मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्टली बाहर लिख लेंगे, ठीक है।
चलो अब आगे बढ़ते हैं, नंबर टू रीड करते हैं। सी शोल्ड 10 कंप्यूटर्स फॉर 55,000। देखो उसने 50,000 से ज्यादा में ही बेचा, ठीक है ना, और कैश पे बेचा है। तो सेल्स कितने टाइप के होते हैं मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाया था, वो वीडियो जरूर देखिएगा। मैं अभी डायरेक्टली लिखता हूँ कि सेल किसने किया है, कंसाइनी ने किया। सेल्स हमारी एक इनकम है, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय कंसाइनी अकाउंट, बाय कंसाइनीज अकाउंट, क्योंकि कंसाइनी ने सेल किया है। तो अनुष्का ने कितना सेल किया वो मेंशन करेंगे, अनुष्का, ठीक है, कंसाइनी अकाउंट, आड़त्य खाते, सेल। और सबसे पहला किस टाइप का सेल किया है, तो कैश, रोकड़े थी कैश सेल, ठीक है। कितना कैश सेल किया है, तो 10 कंप्यूटर 55,000 में उसने बेच दिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 into 55,000, अंदर ही रखिएगा अमाउंट 5,50,000, अंदर ही रखना है आपको अमाउंट 5,50,000, ठीक है। अब दूसरा, सी सोल्ड 5 कंप्यूटर्स एट ₹60,000 ईच टू रणबीर ऑन क्रेडिट, उधार पर माल बेचो, किसको, रणबीर को, उसने अपने हिसाब से बेचा है। तो हम यहां पर लिखेंगे क्रेडिट सेल, कैश लिखा उसी तरह, क्रेडिट सेल रणबीर को किया है। कितने क्रेडिट सेल किए लैपटॉप कंप्यूटर, 5 कंप्यूटर 60,000 में, एक 5 कंप्यूटर इनटू 60,000, तो वो सेल की अमाउंट बन जाती है 3,00,000 रुपीस, ठीक है। 3,00,000 का क्रेडिट सेल, 5,50,000 का कैश सेल। अब रणबीर वॉज डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट एंड ओनली 50% अमाउंट कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम। रणबीर डिक्लेयर हो गया इनसॉल्वेंट, 50% अमाउंट उससे रिकवर्ड हुई, वो किसके बारे में बात हो रही है। देखो रणबीर को क्रेडिट पे किसने सामान बेचा है, तो आंसर है अनुष्का, ठीक है ना, अनुष्का। अब अनुष्का क्रेडिट पे बेच रही है, और क्या हम उसको डेल कैडर कमीशन अलग से देते हैं, तो लास्ट में लिखा है 2% डेल क्रेडर्स कमीशन। तो अब जब मैं उसको डेल क्रेडर्स कमीशन दे रहा हूं, तो क्रेडिट सेल पे अब अगर कोई पैसा उसको नहीं देता है, तो उसका पूरा जिम्मेदारी उसके अकेले के ऊपर होगा, यानी उसके लिए जिम्मेदार कौन, तो अनुष्का खुद। तो वो बैड डेट नाम का जो लॉस, जिन्हें गुजराती माँ के भाई गाल खाद, वो लॉस मैं अपने ऊपर नहीं उठाऊंगा। तो ये बात याद रखिएगा, रणवीर डिक्लेयर हुआ इंसॉल्वेंट, रणवीर को क्रेडिट पे अनुष्का ने बेचा था, मैं उसको डेल क्रेडर्स कमीशन क्रेडिट सेल पे दे रहा हूं, तो वो उस कमीशन के चक्कर में अगर क्रेडिट पे ज्यादा सामान बेचती है, और अगर उसको कोई कस्टमर पैसा नहीं देता है, तो उसके लिए मेरा कोई लॉस नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमारे इस सम में कवर नहीं होगा, बैड डेट हमारे लिए लॉस नहीं है। और ये विराट अकाउंट बना रहा है, तो विराट अपने अकाउंट में कोई लॉस की एंट्री नहीं करेगा, ठीक है। अब यहां बात होती है कि सेल उसने दो ही कैटेगरी के करे है, कौन से दो कैटेगरी के सेल, एक कैश सेल और एक क्रेडिट सेल, कैश और क्रेडिट, और कोई तरह का सेल इसमें नहीं है। मैंने टोटल 4 तरह के सेल्स गिनवाए थे, फर्स्ट लेक्चर को देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ दो कैटेगरी के सेल है, दोनों का टोटल हम बाहर की साइड ले लेंगे, 5,50,000 प्लस 3,00,000 बिकम 8,50,000 टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कुल वेचाण, तो कितना रुपया कुल वेचाण थयू, 8,50,000। अब कंसाइनी अकाउंट यहां पर हमने लिखा है, तो कंसाइनी अकाउंट की डेबिट साइड एंट्री करनी पड़ेगी। कंसाइनी अकाउंट की डेबिट साइड पे वही सेम अमाउंट 8,50,000, और यहां नाम आएगा वो फर्स्ट अकाउंट का, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, और किस चीज की एंट्री है, सेल्स, आड़त माल खाते वेचाण, आड़त माल खाते वेचाण, ठीक है। चलिए 8,50,000 की दो इफेक्ट, कंसाइनी सेल करे तो दो इफेक्ट, कंसाइनी खर्चा करे तो भी दो इफेक्ट, क्लियर रखना ये बात। देखो कंसाइनी ने खर्चा किया तो यहां डेबिट, उधर क्रेडिट, कंसाइनी ने सेल किया इनकम है तो ये अकाउंट क्रेडिट, आवक छे इतले जमा, और वो वाला अकाउंट डेबिट, ठीक है। चलिए यहां तक का सम समझ आया है सभी को, चलिए बता दीजिए, चलो बच्चों फटाफट बताइए यहां तक का सम समझ आया आपको, यहां तक की एंट्रीज आपने लिखी। जिनका बाकी है यहां तक का एंट्री लिख लीजिए, मेरी इतनी एंट्रीज हो चुकी है, आप देख लीजिए, आपकी नोटबुक में भी इतनी एंट्री होनी चाहिए।
वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। चलो इतनी एंट्रीज सभी की नोटबुक में हो गई होनी चाहिए। अब कंसाइनी अकाउंट में 8,50,000 का सेल हुआ है और उसने एडवांस में हमें 5 लाख दे दिए थे, उसने 25,000 का खर्चा किया है। इतनी 3 एंट्री अभी तक हो चुकी है। अब क्वेश्चन आगे करते हैं। फिफ्थ नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ नंबर याद रखिएगा, फिफ्थ नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वन कंप्यूटर वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू मिस हैंडलिंग, मिस हैंडलिंग वर्ड है, एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम 37,500। इंश्योरेंस ले रखा होगा। फर्स्ट फर्स्ट वाली लेक्चर में मैंने समझाया था दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं, इंश्योरेंस ट्रांजिस्ट में भी होता है और इंश्योरेंस गोडाउन का भी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ बात हो रही है, ये अकाउंट सेल्स में मेंशन किया है। देखो कई बच्चे पूछते हैं सर ये कहाँ पर मिस हैंडलिंग हुआ होगा, रास्ते में मिस हैंडलिंग हुआ होगा, आपको नहीं समझ आया, मेरा पहला लेक्चर ध्यान से देखिए। अकाउंट सेल्स की डिटेल किसने भेजी है? अनुष्का ने। तो अनुष्का बता रही है उसमें कि हमसे मिस हैंडलिंग हुआ है। बात क्लियर है? अकाउंट सेल्स किसने भेजा है? कंसाइनी ने। और कंप्यूटर मिस हैंडलिंग किससे हुआ है? अनुष्का से। तो ये लॉस कहां हुआ है? क्या रस्ते में कोई लॉस हुआ है कि उसके गोडाउन में लॉस हुआ है, उसके गोडाउन में मिस हैंडलिंग हुआ है? चलिए आपको ये बात समझ आई है तो आंसर बताइए, क्या हमारा ये रास्ते में कोई मिस हैंडलिंग की बात हो रही है, ट्रांजिस्ट में मिस हैंडलिंग हुआ है कि उसके गोडाउन में मिस हैंडलिंग हुआ है? एबनॉर्मल लॉस, यस यस इट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस, बट कहाँ मिस हैंडलिंग हुआ है, इन ट्रांजिस्ट और इन गोडाउन? तो आंसर है इन गोडाउन। वेरी गुड बेटा करण राज चौधरी, वेरी गुड। धवल, स्वयं त्रिवेदी, गोडाउन, यस गोडाउन में ही हुआ है, क्योंकि अकाउंट सेल्स का डिटेल किसने भेजा है? अनुष्का ने। अनुष्का ये सारी बातें आपको बता रही है तो फिर वहां गोडाउन में हुआ होगा। अब बात करते हैं इसका अमाउंट, इंश्योरेंस क्लेम 37,500 हमें मिलने वाला है। क्या इंश्योरेंस कंपनी हमें पूरी अमाउंट दे रही है? यहां लिखा है कि पूरी अमाउंट दे रही है, उस उधर तो खाली इतना ही बताया है 37,500। अब देखो एक ही कंप्यूटर बोल रहे हैं ना, वन, क्या हमारा वन कंप्यूटर 50,000 का था, उसमें से वो 37,500 दे रही है, तो हमें नुकसान नहीं हो रहा है? ऑब्वियस हो रहा है। कई बच्चे बोलेंगे सर 50,000 में तो 10,000 हमारा प्रॉफिट था। एग्जैक्टली राइट, तो भी 40,000 तो हमारी कॉस्ट थी ना, 40,000 कॉस्ट थी। तो कोई बच्चे बोलेंगे सर 40,000 में से कंपनी हमें 37,500 दे रही है, इट मीन्स 2,500 लॉस। बट इट्स टोटली रॉन्ग, बिकॉज हमने एक्सपेंसिस करे वो प्रपोर्शन अमाउंट उसमें ऐड होगी, कंसाइनी ने एक्सपेंसेस करे उसकी भी प्रपोर्शन अमाउंट ऐड होगी, है ना। तो अब यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करना होगा क्लोजिंग स्टॉक का, तब जाके हमें लॉस की अमाउंट पता चलेगी। अब कंप्यूटर हमारा एक हो गया है डिस्ट्रॉयड, और हमारे पास कितने कंप्यूटर बचे हैं और उसकी क्लोजिंग स्टॉक की क्या वैल्यू है, वो जानने के लिए हमें कौन सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। चलिए उसके लिए आप इस तरह से फॉर्मेट ड्रॉ करिए वर्किंग नोट में, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, आखर मानना स्टॉक की गणतरी, इसके अंदर हमारे एब नॉर्मल लॉस की अमाउंट भी आ जाएगी, पर्टिकुलर्स, यूनिट, यूनिट कहेंगे या नंबर्स आप कह सकते हो, और उसकी अमाउंट इन रुपीस। चलिए ये वाला कैलकुलेशन मेरे साथ साथ करिएगा सभी बच्चे। जो बच्चे लेट ज्वाइन होते हैं उनको क्या करना होगा, लेक्चर एंड होने के बाद फिर से देख लेना, नहीं तो मिस हो जाएगा, लिंक नहीं बनेगी आपकी। यस वर्किंग नोट में आप बनाइए ये वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक गणतरी। चलो सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितने भेजे थे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट आड़त पर मोकलेल माल 20 into क्या प्राइस पे भेजा था, 50,000, और वो 50,000 उसकी कौन सी प्राइस है, आईपी प्राइस। तो यहां यूनिट में लिखेंगे 20 और अमाउंट लिखेंगे उसकी 10 लाख, 10 लाख। चलो 20 कंप्यूटर, 50,000 उसकी आईपी प्राइस, तो आंसर
हो जाएगा 10 लाख रुपीज, यूनिट में लिखेंगे 20। अब प्लस किया जाएगा, जैसे सीक्वेंस चल रही है वैसे, यहां से हमने भेजा, हमने खर्चा भी किया, हमने मतलब किसकी बारे में बात हो रही है, विराट। विराट कितना खर्चा पे कर रहा है, चलो अकाउंट खोल के देख लो विराट ने कितना खर्चा पे किया। ये लिखा हमारा कैश गया था 10,000, विराट ने खर्चा पे किया था 10,000, तो चलो वो 10,000 का एक्सपेंस यहां पर ऐड करेंगे, प्लस एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, माल धनिए चुकवेल खर्चा, कंसाइनर मालिक कितना खर्चा पे कर रहा है 10,000, तो वो 10,000 ऐड होगा, उसका कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिट तो जो कंप्यूटर भेजे वो 20। तो अब 20 कंप्यूटर की कॉस्ट बढ़ गई, 10 लाख थी पहले, अब हो गई 10 लाख, 10,000 कॉस्ट बढ़ती जाएगी जितना आप खर्चा करते जाओगे, ठीक है। तो एक्सपेंसिस पेड बाय कंसाइनर कितना हो गया 10,000। चलो अब वहां सामान पहुंच गया, किसने खर्चा किया, तो अब मैंने तो खर्चा पे कर दिया, कंसाइनर कह रहा है, कंसाइनी भी खर्चा कर रहा है। मैंने सबसे पहले कहा था कि सम में कंसाइनी के तीन एक्सपेंसेस है, कौन से तीन है देख लीजिए, यहाँ अनलोडिंग, कैरेज और एडवर्टीजमेंट, इसमें से नॉन रिकरिंग ही लेने हैं। नॉन रिकरिंग मतलब जो एक ही बार होते हैं, यानी अनलोडिंग एड कैरेज जो एक बार हुआ था उसी को कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ ऐड करेंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी, आड़त्याय करेला बिन आवर्तक खर्चा, बिन आवर्तक जो बार बार नहीं होने वाले, ठीक है। और उसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस हमने लिए, तो 4,000 प्लस 6,000, यही दो ले रहे हैं, ठीक है। मैं यहां मेंशन भी कर देता हूं 4 प्लस 6 दैट इज 10,000। तो अब उसकी कॉस्ट कितनी बन गई, तो 20 कंप्यूटर की अब कॉस्ट हो गई 10 लाख 20,000। अब सामान वहां पहुंच गया कंसाइनी के यहां, गोडाउन में पड़ा है, अब क्या हुआ उनसे, मिसहैंडलिंग, डिस्ट्रॉयड इन गोडाउन या वेयरहाउस, गोडाउन में नाश पामेल, गुजराती में कहवाई, गुजराती में हम कहेंगे गोडाउन में नाश पामेल, ठीक है। जो बच्चे गुजराती से है वो साथ साथ में लिखते जाइएगा जैसा मैं बोलूँ इस तरह से, ओके। चलिए तो डिस्ट्रॉय इन गोडाउन, कितना डिस्ट्रॉय हुआ है कंप्यूटर एक, अब मैंने यहां माइनस साइन डाली है, देखो माइनस क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि अब हमारा ये यूनिट चला गया है, कम हो जाएगा, तो अब मेरे पास कितने पीस बचेंगे बेचने के लिए, मैं बोल रहा हूं बेचने के लिए इतने बचे है ना, 19 पीस बचे। अब मेरा एक पीस तो डिस्ट्रॉय हो गया, तो मैं उसको ब्रैकेट में लिखूंगा जो माइनस कर रहा हूं मैं, तो अब बताइए ये एक पीस की कॉस्ट कितनी है ना, एक पीस की कॉस्ट, कॉस्ट तो नहीं कहेंगे, आईपी प्राइस से शुरू किया है तो मिलेगी भी आईपी प्राइस है ना, क्योंकि 10 लाख के अंदर प्रॉफिट था, 50,000 में प्रॉफिट था, तो यहां विथ प्रॉफिट मुझे आईपी प्राइस मिलेगी जो एक डिस्ट्रॉय हो गया एक लैपटॉप उसकी। चलो मुझे यहां कौन बताएगा कि यहां क्या आंसर आएगा, ये जो क्वेश्चन मार्क डाला है उधर कितनी अमाउंट आएगी, चलो सभी बच्चे चैट में मुझे बताइए यहां कितनी अमाउंट होगी। धवल 51,000 कह रहा है, चलो और बच्चे बताइए क्या आंसर आएगा, स्वयं कह रहा है 51, रुचि कह रही है 51,000, फिर दीपक कह रहा है 51,000, वेरी गुड, फिर और बताइए बेटा कितना आएगा, चलो और कौन है जो बताएगा आंसर, सावन परमार 51,000, रवि पटेल 51,000, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 51,000 इज द राइट आंसर बेटा, 51,000, 19 वाले की अमाउंट नहीं चाहिए बेटा हमें, हमें वन वाले की चाहिए। तो क्या करना है, मैंने आपको सिखाया था क्रॉस मल्टीप्लाई, याद रखिएगा ये बात, यहाँ अमाउंट चाहिए ना, अब ध्यान देना इधर, अब आप चैट मत करिए, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, वन यूनिट मल्टीप्लाइड विथ 10,20,000 एंड डिवाइड बाय 20 है ना, करिए ये सब अभी अपनी कैलकुलेटर पे, 1 × 10,20,000 डिवाइड बाय 20, तो इट बिकम 51,000।
और 51,000 मुझे माइनस करना है क्योंकि उतना अमाउंट मेरा डिस्ट्रॉय हो गया है, माइनस करना है। तो ये अमाउंट मोस्ट आईएमपी थी, ये हमें ढूंढनी थी, ये हमें ढूंढनी थी, क्योंकि हमें इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 37,500 दे रही है। याद रखिएगा कितना दे रही थी वो हमें, 37,500 इंश्योरेंस कंपनी। अब यहाँ 51,000 माइनस कर लो पहले, 10,20,000 माइनस 51,000 इट बिकम्स 9,69,000। जो बच्चे 9,69,000 आंसर बता रहे थे वो भी राइट है, यू ऑल आर राइट, बट आई एम क्वेश्चनिंग अबाउट अमाउंट ऑफ डिस्ट्रॉयड इन गोडाउन। तो अमाउंट ऑफ डिस्ट्रॉयड इन गोडाउन कितनी, 51,000। अब ये 51,000 देखो, इधर तो हमें कंटिन्यू करना ही है ये कैलकुलेशन, बट अब 51,000 वाला जो पॉइंट था उसके बारे में बात करते हैं। तो वो कैलकुलेशन को वहां पर थोड़ा छोड़ देते हैं। कितनी लाइन आप छोड़ दो, तो नीचे 5 to 6 लाइन छोड़ दो, और उसके बाद अब यहां लिखो लॉस इन गोडाउन। तो आईपी प्राइस आपने ढूंढ ली, कितनी ढूंढी आपने आईपी प्राइस, 51,000। एक आपका जो कंप्यूटर है उसकी कॉस्ट कितनी निकल कर आई, 51,000 आईपी प्राइस है, प्रॉफिट के साथ है, ठीक है। उसमें आपके एक्सपेंसेस भी प्रोपोर्शनेट इसमें ऐड हो गए, हमारे कंसाइनर के एक्सपेंसेस भी इसमें आ गए और कंसाइनी का भी एक्सपेंस इसमें आ गया। अब यहां से प्रॉफिट माइनस कर दो कि आपके एक कंप्यूटर पे कितना प्रॉफिट था। तो हमारा एक कंप्यूटर पे जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट लिख रहा हूं नफो, वो कितना था, 10,000। तो यहां से मैं कितना माइनस कर दूंगा, 10,000 का प्रॉफिट लेस कर दूंगा, तो मेरे पास इसकी कॉस्ट निकल कर आएगी 41,000। ये उसकी हो गई कॉस्ट, कॉस्ट इतले पड़तर, ठीक है। अब इस अमाउंट में से इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम देगी, इंश्योरेंस कंपनी हमें 37,500 ही देने वाली है, तो वो अमाउंट भी मैं माइनस कर दूंगा। तो 41,000 माइनस 37,500, तो मेरा लॉस कितना हुआ, 3,500 का मुझे लॉस हुआ। चलिए ये वर्किंग लिख लीजिएगा किसी का बाकी हो तो। हमारा लॉस हो गया 3,500 का, लॉस इन गोडाउन। पहले तो 51,000 हम यहां से निकाल कर लाए, ठीक है। यहां से 51,000 निकाली, उसकी आईपी प्राइस थी कि जो डिस्ट्रॉयड हुआ उसकी आईपी प्राइस विद प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस, प्रमाण सर खर्च सहित केतली, तो वो अमाउंट मिली 51,000। उसमें से हमने अपना प्रॉफिट पहले हटा दिया, 10,000 भाई हमारा प्रॉफिट था। चलो तो इंश्योरेंस कंपनी हमें 41,000 में से कितना दे रही है, ओनली 37,500। इट मींस मुझे नुकसान कितना हो रहा है, 3,500। तो 3,500 का नुकसान हमें हुआ है, उसकी एंट्री कहाँ करेंगे, तो कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड। चलिए बच्चे यहां पढ़ लीजिएगा, 37,500 इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया था, तो मेरा नुकसान हो रहा है 3,500 का, और वो गुड्स अब कंसाइनमेंट से चला गया है। तो यहां क्रेडिट साइड पे एंट्री करिए, यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नफा नुकसान खाते जैसे लॉस इन गोडाउन, जो गोडाउन का लॉस हुआ है वो। आप सोचोगे सर ये तो अनुष्का के गोडाउन में लॉस हुआ, हम क्यों लिख रहे हैं। बेटा अनुष्का जो हमारे लिए काम कर रही है ना, तो अब वहां एग्रीमेंट बना होगा कि ऐसा कुछ भी होता है तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होगी, तो ये लॉस अब हमें ही बियर करना पड़ेगा, हमें ही उठाना पड़ेगा। कितना लॉस हुआ, 3,500। और इंश्योरेंस कंपनी मुझे कितना पैसा देने वाली है, इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम अकाउंट, ये मेरे लिए असेट है, फ्यूचर में देगी इंश्योरेंस कंपनी ना दावा खाते, कितना देने वाली थी, 37,500। तो ये दोनों अमाउंट एक ही साथ आनी चाहिए, याद रखिएगा, लॉस की अमाउंट और क्लेम की अमाउंट। हमें क्लेम तो सब में दे ही रखा था, क्लेम की अमाउंट हमें सब में दे रखी थी 37,500, हमने इसकी वर्किंग नोट करी और ये अमाउंट निकाली 3,500, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, कहाँ तक पहुँचे थे, 5 नंबर तक पहुँचे थे। 6, आउट ऑफ द अनसोल्ड कंप्यूटर, अनसोल्ड कंप्यूटर की बात हो रही है, वेर डैमेज एंड रिपेयरिंग चार्जेस फॉर बोथ वेर एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड है ये वर्ड समझना, रिपेयरिंग करवाना पड़ेगा, कितने में रिपेयरिंग करवाना पड़ सकता है, तो
एक अंदाज से खर्चा है 6500 जितना, कितने लैपटॉप पे, तो दो कंप्यूटर डैमेज हुए हैं उस पे। अब बात ये तब आएगी जब हम क्लोजिंग स्टॉक ढूंढेंगे तब। तो चलो क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास बेचने लायक कितने कंप्यूटर हैं, 19। देखो 20 भेजे थे हमने यहां से, एक तो मिस हैंडलिंग में डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, और 19 बचे हैं उसकी क्या प्राइस निकल कर आ रही है, आईपी प्राइस विथ एक्सपेंस 9,69,000। अब उसमें से हमने जो सेल कर दिया है वो माइनस करेंगे, कितना सेल हो चुका है। तो यहां सब में बताया था फर्स्ट नंबर और सेकेंड और थर्ड नंबर कि उसने, अनुष्का ने 10 कंप्यूटर बेचे थे कैश पे और 5 कंप्यूटर बेचे थे रणवीर को क्रेडिट पे। अब 10 और 5 कितने कंप्यूटर बेच दिए हमने, 15। तो यहां पर 15 कंप्यूटर जो हमने बेच दिए वो क्या कर देंगे यहां से, माइनस। तो 15 कंप्यूटर बेच दिए हैं, मुझे उसकी अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। सेल्स यहां अमाउंट नहीं लिखना, कभी नहीं लिखना, मुझे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। तो मेरे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा है, 4, और उसकी कॉस्ट क्या है, तो अगेन हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 9,69,000 और डिवाइड बाय 19। चलो सभी बच्चे मुझे आंसर बताइए कितना आएगा क्लोजिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का आंसर कितना आएगा यहां पर, जल्दी से चैट में बता दीजिए यहां पर कितना आंसर आएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क बना रहा हूं उधर कितना अमाउंट आएगा, ये सिखा दिया है मैंने लेक्चर नंबर 2 में। चलो जल्दी से चैट में बता दीजिए, स्वयं त्रिवेदी 2,04,000। चलो और किसी का क्या आंसर है, फिर हम कैलकुलेटर पे चेक करते हैं। कनु बोल रहा है 2,04,000, सावन बोल रहा है 20,500, 10 डालो बेटा, शायद उतना तो कम नहीं होगा, आपका लिखने में शायद गड़बड़ हुई होगी। यस 2,04,000, सावन दीपक 2,04,000, रुचि 2,04,000, लक्षिता मकवाना 2,04,000, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। जयदीप 2,04,000, क्या किया है हमने, तो हमने 4 को मल्टीप्लाई किया है 9,69,000 से और डिवाइड बाय 19। यस यू आर राइट, 2,04,000 इज द आंसर। तो लिख लीजिए कि हमारी आईपी प्राइस के साथ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 2,04,000 आईपी प्राइस के साथ है, 2,04,000, ठीक है। वो क्या मिल गया हमें, क्लोजिंग स्टॉक, आखिर मान लो स्टॉक। अब क्या कहा था कि अनसोल्ड जो बचे ना उनके पास, उसमें दो कंप्यूटर डैमेज कंडीशन के, मतलब 4 जो बचे ना हमारे पास, कितने बचे, 4, हमने कितने बेच दिए, तो 15 बेच दिए हमने, एक बार फिर से देख लीजिए, हमने 15 बेच दिए, हमारे पास बचे कितने, 4, 4 में से 2 कंप्यूटर ऐसे थोड़े डैमेज कंडीशन के। अब डैमेज कंडीशन वाले जब तक आप रिपेयर नहीं करवाओगे ना तब तक उसको बेच नहीं पाओगे, ये बात तो क्लियर है सभी को। तो रिपेयरिंग का एक्सपेंस एस्टिमेटेड है, तो यहां से जब तक आप रिपेयरिंग का एक्सपेंस नहीं करते हो तब तक ये वैल्यू आपके लिए कहीं नहीं जाएगी। तो एस्टिमेटेड रिपेयरिंग एक्सपेंस माइनस कर दो 6,500, तो आपके पास जो 4 लैपटॉप बचे हैं या कंप्यूटर बचे हैं उसकी कॉस्ट आईपी प्राइस के साथ कितनी है वो मिल जाएगी। फिर से देख लीजिएगा, 6,500 अमाउंट थी, एस्टिमेटेड थी, डैमेज कंडीशन में है, उसको रिपेयर जब तक नहीं करवाओगे तब तक नहीं बेच पाओगे। तो 2 कंप्यूटर की बात हो रही है, एक कंप्यूटर की 6,500 होती तो मैं इंटू 2 करता, पर यहां क्या लिखा था, बोथ। देखिए वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्या लिखा था, वर्ड नहीं अगर आपने पढ़ा तो प्रॉब्लम, बोथ यानी दोनों की मिलाकर 6,500 है, इंटू 2 नहीं करना है, ठीक है। तो 6,500 यहाँ पर हम माइनस कर देंगे और कितना उसका अमाउंट आ जाता है बताइए, 1,97,500। जब तक आप 6,500 का खर्चा नहीं करोगे तब तक आपकी वैल्यू 1,97,500 ही मानी जाएगी, ठीक है। तो 4 मेरे पास बचे हैं कंप्यूटर और उसकी अमाउंट कितनी है, 1,97,500। ये वाला वर्किंग यहाँ पर फिनिश हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर कितना निकल कर आया, 1,97,500। अब क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखा जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड। आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट याद करो, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते थे, व्यापार खातू, तो यहाँ क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो बाय
कंसाइनमेंट, स्टॉक अकाउंट, कंसाइनमेंट स्टॉक खाते, कितने बचे मेरे पास? चार कंप्यूटर, यहाँ मेंशन नहीं करते हैं, डायरेक्टली वर्किंग नोट करी है तो यहाँ लिख देते हैं, वर्किंग नोट करी है हमने, और अमाउंट कितनी आई थी हमारी? 1,97,500, ठीक है, 1,97,500 अमाउंट। अब ये जो अमाउंट है क्लोजिंग स्टॉक की विथ आईपी प्राइस थी। अब यहाँ स्टार्टिंग का पॉइंट याद रखें, स्टार्टिंग में क्या कहा था, जब आप गुड्स बेचते हो तो विथ आईपी प्राइस है, पर आपको पता है अभी तक सेल नहीं हुआ है, उसमें जो प्रॉफिट है वो ऑपोजिट साइड बताओ। सेम वे जैसे आपके पास यहाँ कितने पीस बच गए, तो चार कंप्यूटर बच गए, क्या चार कंप्यूटर का जो स्टॉक है वो उसकी कॉस्ट प्राइस पे है? नहीं, उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, तो उस प्रॉफिट को हटाने के लिए डेबिट साइड पे इफेक्ट करेंगे और वहाँ लिखेंगे, देखो प्रॉफिट इन स्टॉक है तो अकाउंट का नाम होगा स्टॉक रिजर्व अकाउंट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट, स्टॉक अनामत खाते। कितने मेरे पास बचे थे? चार, और एक एक कंप्यूटर पे कितना प्रॉफिट है? 10,000 का। तो ये जो हमने अमाउंट बताई है 1,97,500 वो विथ आईपी प्राइस थी, क्योंकि स्टार्टिंग हमने आईपी प्राइस से ही किया था कैलकुलेशन का, तो उसमें से 10,000 का प्रॉफिट ऑपोजिट साइड बता देते, यानी कितनी अमाउंट का प्रॉफिट ऑपोजिट साइड बताया? 40,000, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक की हमने यहाँ पर दो इफेक्ट करी, एक तो क्रेडिट साइड पे और उसमें जो प्रॉफिट था वो हमने डेबिट साइड लिख दिया। अच्छा, विदाउट आईपी प्राइस वाला क्वेश्चन आए तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा, यहाँ की जो अमाउंट है वो एक ही यहाँ लिखनी होगी और स्टार्टिंग में जो एक अमाउंट यहाँ होगी वो ही एक लिखनी होगी, प्रॉफिट की ऑपोजिट एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर है सभी को? चलिए अब क्वेश्चन में कहाँ तक पहुँचे थे, तो 6 नंबर हमने रीड कर लिया, नीचे का पैराग्राफ, अनुष्का क्या कर रही है, तो कमीशन के लिए काम करती है ना, हमारे लिए बेचती है, तो अनुष्का जनरल कमीशन कितना उसको मिलेगा? जनरल कमीशन उसको मिलेगा 5%, और जनरल कमीशन किस पे मिलेगा? तो टोटल सेल्स पे 5%, एंड लिखा है 2% डेल क्रेडर्स कमीशन ऑन क्रेडिट सेल, मेंशन किया है क्रेडिट सेल पे, तो क्रेडिट सेल अलग से है हमारे पास और टोटल सेल अलग से है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ओवरराइडिंग कमीशन मैंने समझाया था फर्स्ट लेक्चर में, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज अ पार्ट एज अ शेयर इन प्रॉफिट, तो अनुष्का को हम तीन चीजें दे रहे हैं, एक तो जनरल कमीशन दे रहे हैं 2% क्रेडिट सेल पे कमीशन, जिसको हम डेल क्रेडर्स कमीशन कहते हैं, और 10% पार्ट दे रहे उसको हमारे प्रॉफिट में से। तो चलो इसकी एंट्री कैसे करनी है वो समझते हैं। तो हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट पड़ा हुआ है, ये कंसाइनमेंट अकाउंट में हमने सेल भी लिखा हुआ है, तो उसी सेल से हम अपना कमीशन भी काउंट कर सकते हैं। अब ये कमीशन हमें किसको देना है? अनुष्का को देना है, तो किसको मिलने वाला है फिर से बोलो? अनुष्का को। तो हमें क्या करना होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे एक्सपेंस का रिकॉर्ड करना होगा, पर हम किसको देने वाले हैं? कंसाइनी को। तो यहां लिखेंगे कंसाइनीज अकाउंट कमीशन, कंसाइनीज अकाउंट कमीशन, कंसाइनी खाते कमीशन, और वो कमीशन कितना बोला था? 5% ऑन टोटल सेल्स। तो बेटा टोटल सेल्स यानी ये 8,50,000 की बात हो रही है, तो 8,50,000 पे 5% कमीशन, चलो 5% काउंट करके अंदर ही रखूंगा, बाहर टोटल लूंगा, 5% होता है 42,500, और बोला था 2% ऑन क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल ले ले उधार बेचा, 3,00,000 का जो क्रेडिट सेल है उस पे 2%, टोटल सेल पे 5% और क्रेडिट पे 2%, कितना होगा? 3,00,000 का 2% 6,000 होगा, आई थिंक 3,00,000 इंटू 2%, यस 6,000। प्रॉफिट की बात यहां अभी नहीं लिखूंगा, क्योंकि प्रॉफिट मुझे तभी मिलेगा जब मैं कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करूंगा, तो 42,500 एंड 6,000 टोटल बिकम 48,500, तो जो टोटल 48,500 कमीशन निकला है मुझे किसको देना है? कंसाइनी को देना है, तो कंसाइनी अकाउंट मुझे क्रेडिट करना होगा, क्योंकि उतना कमीशन काटने के बाद मुझे अनुष्का लास्ट में पैसे देगी, तो हिसाब लगाना है मुझे कि वो कितना पैसा मुझे लौटाएगी, तो मैं अभी से उसका कमीशन क्रेडिट में बता देता हूँ कि वो उतना मुझे कम देने वाली है। और यहाँ किस अकाउंट का नाम लिखा जाएगा? तो फर्स्ट अकाउंट का, कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ लिखा जाएगा, और ये कौन सी एंट्री है? कमीशन की एंट्री है, ठीक है, कमीशन, हाउ मच? 48,500,
यस 48,500। तो दो जगह इफेक्ट हो गई, हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 48,500 एंड कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट 48,500। ठीक है, चलिए अब यहां देख लीजिए, पूरा सारा हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अब हम कंसाइनमेंट अकाउंट को बंद कर सकते हैं। हमारा कौन सा अकाउंट है? कंसाइनमेंट, हम उसको अब बंद कर सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? ये कंसाइनमेंट अकाउंट बंद करेंगे और उसका प्रॉफिट लॉस कितना आ रहा है वो चेक करते हैं। चलिए कंसाइनमेंट की क्रेडिट साइड आप अपनी नोटबुक में चेक करिए, 2 लाख की एंट्री है, 8,50,000 की एंट्री है, 3,500 की, 37,500 और 1,97,500 इतनी एंट्री आपकी नोटबुक में होनी चाहिए। चलो हम इन सब का टोटल करते हैं, 2 लाख प्लस 8,50,000 प्लस 3,500 प्लस 37,500 एंड 1,97,500। तो क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 12,88,500। किसी और स्टूडेंट का इतना टोटल आ रहा है मुझे चैट में बताइए, 12,88,500 हो रहा है क्या टोटल आपका? चलो बताइए। यस बेटा, बैड डेब हुआ है तो भी उसको डेल क्रेडिटर्स कमीशन तो मिलेगा ही, क्योंकि हमने उसको डेल क्रेडिटर कमीशन दिया है तो अब वो बैड डेब उसी का होगा। चलो जल्दी से बताइए बेटा, टोटल कितना हो रहा है आपका? क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो रहा है? मेरा हो रहा है 12,88,500। क्या किसी और ने टोटल किया है? सेम आ रहा है? सेम? ओके यस सर, आप लिख रहे हो, शायद सेम ही हो रहा है। चलो तो अकाउंट क्लोज करते हैं हम, थोड़ा मैं एक्सटेंड कर लेता हूं अकाउंट को। आपने पूरा पेज इस्तेमाल करना है, मैंने पहले ही बताया। चलिए नीचे टोटल लिख लेता हूं, 12,88,500 और सामने भी लिख लेते हैं 12,88,500। अब उसमें से डेबिट साइड के सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं। देखो डेबिट ज्यादा हो जाती तो क्रेडिट साइड पे लॉस होता, ठीक है? डेबिट साइड के एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, 10 लाख रुपीज माइनस किया सबसे पहले, फिर माइनस करना है 10,000, फिर माइनस करना है 15,000, फिर माइनस करना है 25,000, फिर माइनस करना है 40,000, फिर माइनस करना है 48,500। 1,50,000 आंसर आ रहा है। चलिए बताइए और किसी का आ रहा है 1,50,000? तो यस लिखकर कमेंट में बता दीजिए। और किसी का 1,50,000 आंसर आ रहा है बेटा, जल्दी बताइए। संजय बोल रहा है टोटल 12,88,500। यस बेटा टोटल इज राइट। अब 1,50,000 इज द प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। किसी और बच्चे का आ गया, जयदीप बोल रहा है यस 1,50,000, वेरी गुड। तो 1,50,000 प्रॉफिट आ चुका है। हम यहाँ 1,50,000 का प्रॉफिट किसको देने वाले हैं? हमारा प्रॉफिट है उसमें से किसको शेयर देने वाले हैं? तो अनुष्का को हम 10% शेयर देने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टू कंसाइनीज अकाउंट, कंसाइनीज अकाउंट अनुष्का को क्या देने वाले हैं? शेयर इन प्रॉफिट। तो यहाँ लिखेंगे शेयर इन प्रॉफिट, नफामा हिस्सो। तो कितनी अमाउंट हमारी आई? 1,50,000। उस पर कितना परसेंटेज देने वाले हैं? 10%। तो बन जाएगा वो 15,000 उसका शेयर। कंसाइनी का शेयर कितना बना? 15,000 प्रॉफिट में से। तो मैंने सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड किया। अब हमारे लिए कितना प्रॉफिट बचा? तो देखो अभी तक 1,50,000 प्रॉफिट बोल रहे थे, अब मैंने उसको 15,000 एक्सपेंस हुआ ना मेरा, मैं उसको प्रॉफिट देने वाला हूँ, 15,000 शेयर देने वाला हूँ। तो हमारे लिए कितना बचेगा? 1,35,000 प्रॉफिट। 1,35,000 का प्रॉफिट वो हमारे लिए बच गया है, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ये है मेरा प्रॉफिट, कंसाइनमेंट में जाने से मुझे इतना प्रॉफिट हुआ। मुझे मतलब विराट को कितना प्रॉफिट हुआ? 1,35,000। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, 15,000 की दूसरी इफेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कंसाइनी को हम प्रॉफिट
मैं शेयर देने वाले हैं तो उतना अमाउंट वो मुझे कम देगा जब रिटर्न में देगा तो वो मुझे 8,50,000 का जो सेल हुआ है उसके पास है सारा पैसा कलेक्शन का और कैश सेल का, तो उसमें से इतनी सारी चीज़ें वो डिडक्ट करने के बाद देगा मुझे। तो यहाँ लिखे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट और यहाँ लिखेंगे शेयर इन प्रॉफिट नफा मा हिस्सो कितना 15,000। अब ये अकाउंट भी क्लोज करेंगे तो 8,50,000 डेबिट में है वो ज़्यादा है, मैं 8,50,000 से अकाउंट क्लोज कर रहा हूँ, खातु बंद, सामने भी उतना ही लिखूँगा 8,50,000। और कितना अमाउंट मुझे अनुष्का रिटर्न में लास्ट में देगी तो 8,50,000 में से 5,00,000 माइनस 25,000 माइनस 48,500 माइनस एंड 15,000 तो लास्ट में वो मुझे 2,61,000 लास्ट में पैसे देगी। अगर दे देती है तो यहाँ बैंक अकाउंट, या फिर आप नहीं देती तो बैलेंस लिख सकते हो। ये क्वेश्चन में कुछ मेंशन अभी तक मैंने नहीं रीड किया तो भी मैं लिख देता हूँ कि वो पैसे दे देती है बैंक अकाउंट, ऐसा मान लेते हैं कि उसने लास्ट में हमें दे दिया होगा। ड्राफ्ट से, जनरली ड्राफ्ट से पेमेंट हो जाता है तो यहाँ लिख देते हैं। अब तो कैसा है RTGS चलता है ना, RTGS, तो वो उससे भी पैसा आ जाएगा तुरंत रियल टाइम, है ना। तो 2,61,500 कंसाइनी अकाउंट बनाने से हमें पता चला कि हमें उससे कितने पैसे लेने हैं और वो हमें कितना लास्ट में ड्राफ्ट देती है। और फर्स्ट अकाउंट जो हमने बनाया कंसाइनमेंट अकाउंट, उससे हमें पता चला कि हम इस कंसाइनमेंट बिजनेस से कितना प्रॉफिट अर्न कर पाए, 1,35,000। हमारा जो नॉर्मल बिजनेस है वो अहमदाबाद में, मैंने बताया था कि हम ऐसा मान लेते हैं कि हम यहाँ कर रहे हैं बिजनेस अहमदाबाद में और हमारा एजेंट मुंबई में है, तो हम यहाँ नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं उससे जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसमें ये वाला प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। तो हमारा बिजनेस एक्सपांड करने के लिए हम गए थे, कंसाइनमेंट से हमें इतना प्रॉफिट जनरेट हुआ, ठीक है। तो हमारा पूरा क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है। हाँ, बैलेंस भी लिख सकते हो, बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन, बेटा ब्रॉट डाउन नहीं कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन भी लिख सकते हो, मैंने पहले ही बताया। चलिए, सम सभी का सॉल्व है बेटा, तो एक नेक्स्ट लेक्चर में एक और क्वेश्चन करवाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा मंडे को, मंडे 9:30, याद रखिएगा मंडे 9:30 हमारा एक और लाइव क्लास होगा जिसमें एक और ऐसा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, आईपी प्राइस का ही होगा, कन्वर्जन भी करना होगा। कन्वर्जन मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था कैसे करना है, एक नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लेक्चर एक नया सम होगा उसमें भी कन्वर्जन आएगा तो फिर से सिखा दूंगा, ठीक है। आप सभी को समझ आया पूरा क्वेश्चन, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। CA की एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होगी, गुजरात यूनिवर्सिटी हमेशा अपनी एग्ज़ाम CA स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए करती है तो आपकी एग्ज़ाम क्लैश नहीं होगी, ठीक है। CMA वालों को भी मोस्ट प्रॉब्लमली नहीं प्रॉब्लम होगा, ठीक है, सभी बच्चों को ये बात याद रखना। चलिए, मज़ा आया आपको पढ़ने में, बताइए। मेरा नाम आपको नहीं याद है, ठीक है, मेरा नाम है चैतन्य पटेल, ठीक है। स्वयं त्रिवेदी, यस सर, धवल, यस, लक्षिता, ओके, एंजॉय करो, बहुत बढ़िया है पढ़ने का, जितना एंजॉय करके पढ़ाई करोगे उतना आपका मार्क्स भी बढ़ेगा। चलिए, तुषार, वेरी गुड, रवि, चलिए सभी ने अपनी नोटबुक में क्वेश्चन लिख लिया होगा। मैं आपको ये पूरा सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन अपने क्लासरूम में भेज दूंगा, हमारा जो क्लासरूम बना है उसमें पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। हमारे क्लासरूम में ज्वाइन होने के लिए आपको अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, आईडी प्रूफ, फ़ोटो के साथ इस व्हाट्सएप नंबर पे ये सारी डिटेल आपको भेज देनी होगी, तो मैं अपने क्लासरूम में आपको ज्वाइन कर लूँगा और उस क्लासरूम में हमने जो अभी पढ़ाई करी उसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और क्वेश्चन भी मिलेंगे उसमें और सॉल्यूशन के साथ भी मिलेंगे, जो आप खुद अपने हिसाब से ट्राई करिएगा, नहीं पता चले तो वो सॉल्यूशन भी मैं वहाँ डाल दूंगा क्लासरूम के अंदर। कुछ कुछ क्वेश्चन हम लाइव में सॉल्व करेंगे और कुछ मैं आपको नोट्स के तौर पे क्लासरूम में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है सभी बच्चों को, सही है ना ये बात, खुद से थोड़ा ट्राई करोगे कि नहीं एक दो क्वेश्चन, बताइए।
चलिए आज का लाइव सेशन बेटा हम यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लाइव सेशन होगा मेरा मंडे को 9:30। अगर टाइमिंग में थोड़ा चेंजेस होगा तो क्लासरूम में मैं आपको शेयर कर दूंगा सारी इन्फॉर्मेशन। व्हाट्सएप पे आप सारी चीज़ें मुझे मत पूछिए, व्हाट्सएप पे आप बार बार क्वेश्चन मत करिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्लासरूम में वहाँ पर बताइए। क्लासरूम में अभी आप कमेंट नहीं कर पाओगे, थोड़े टाइम के बाद क्लासरूम में आपको कमेंट करने का ऑप्शन भी दे दूंगा, है ना। अभी आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेजेस ज़्यादा मत करिए, ठीक है बेटा। थोड़ी लिमिटेशन है, मैं पूरा दिन पढ़ाता रहता हूँ, फिर आपको लगे सर ने मेरा मैसेज रीड किया आंसर नहीं दिया, पर मैं पूरा दिन पढ़ाता रहता हूँ, मेरा फ़ोन साइलेंट होता है और मेरे मोबाइल पे इतने मैसेजेस होते हैं मैं पढ़ के आंसर कभी नहीं भी दे पाता, है ना। चलिए जय की आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। चलिए मिलता हूँ मैं आप सबसे मंडे, और तब तक सभी को हैप्पी नवरात्रि और एंजॉय करिए नवरात्रि, और साथ में पढ़ाई भी करते रहिए। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।